ओथी पड़ी पड़ी जग मुआ पंडित भया न कोए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। संत कबीर दास जी की ये युग बोधक पंक्तियां आज अंग नगरी भागलपुर में प्रासंगिक हो उठी। मौका था आजादी के 75वें साल के उपलक्ष्य में भारतीय जन नाट्य संघ यानी इप्टा की ओर से निकाली गई सांस्कृतिक यात्रा का। 9 अप्रैल से शुरू ढाई आखर प्रेम नामक इस सांस्कृतिक यात्रा ने आज भागलपुर शहर को अपना पड़ाव बनाया था। इस यात्रा का उद्देश्य हिंसा और नफरत भरे दौर में कला के माध्यम से आम जनमानस को प्यार, भाईचारे और सामाजिक समरसता का संदेश देना था। सांसारिक विष अमृत को स्वयं में समाये विश्व बंधुत्व का संकल्प स्वरूप कलश इस यात्रा का खास आकर्षण था। इस मौके पर इप्टा के महासचिव तनवीर अख्तर के कुशल निर्देशन में कलाकारों ने गीत, गजल, नाटक और काव्य पाठ के द्वारा अपनी बात को बेबाकी से रखा। इस अवसर पर भागलपुर इप्टा की महासचिव श्वेता भारती ने कहा कि आज के रंजश भरे हालात में कला और संस्कृति के माध्यम से अमन और बंधुत्व जैसे जीवन मूल्यों की तलाश संभव है। इसका कार्यक्रम का जो एक हेडलाइन है सीधा ही है कि ढाई आखर प्रेम क्या। तो आज हम लोग इस कार्यक्रम के तहत जो 9 अप्रैल से शुरू हुआ है ये एक अभियान, इससे हम लोग हर जगह जा करके ये अपना परिचय देना चाहते हैं कि हम लोग की जत्था जो आ रही है ये प्रेम के लिए आ रही है, सद्भावना के लिए आ रही है, भाईचारे के लिए आ रही है, एकता के लिए आ रही है। हम अहिंसा की बात करने के लिए आ रहे हैं, हम भाईचारे की बात करने के लिए आ रहे हैं। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड के भारतेंदु रंगभूमि परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम को लोगों का भी भरपूर प्यार मिला। इस दौरान कई कलाकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। भाई आखर प्रेम, इसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग आते हैं, सभी संगठनों के लोग आते हैं और सभी आपस में प्रेम से बातें करते हैं और आज उसी का कार्यक्रम यहाँ पर आपके भागलपुर के हृदय स्थली सैंडिस कंपाउंड में हो रहा है। इस आयोजन में शिरकत कर रहे लोगों में डॉक्टर मनोज गीता, डॉक्टर उपेंद्र साह, भागलपुर की पूर्व मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर, प्रोफेसर देवा ज्योति मुखर्जी, कवि त्रिलोकी नाथ दिवाकर, राजीव कांत मिश्रा सहित मंजुषा कला से जुड़े कई गणमान्य लोग शामिल थे। भागलपुर से विनीता कुमारी के साथ प्रीतम पांडे की रिपोर्ट।